नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालिए, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स मेथड जो इक्वेशंस दे रखी हैं इसको थोड़ा एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए किस तरीके से, द अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, जहां पर ए एक्स वाई और जेड के कॉफिशेंट से बनने वाली एक 3x3 की मैट्रिक्स है। तो यहां 3, 2, -4, 2, -3, 5 एंड 1, 1, -2। एक्स वो वेरिएबल्स हैं जिनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उनसे बनने वाली एक कॉलम मैट्रिक्स। सामने जो नंबर्स दे रखे हैं -5, 11 और -3, ये बी है आपका। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जरा देखिए इज इक्वल टू 3 बाहर आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 -5, -2 × इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां जाएगा -4 -5, यहां जाएगा -4 × 2 और ये आएगा माइनस का फॉर्मूले वाले माइनस से प्लस हो जाएगा। यहां आ गया 6 -5 is 1 × 3 is 3, यहां -9 और -9 × -2 हो जाएगा प्लस का 18, यहां हो गया 5 5 × -4 is 20, माइनस का 20, यहां हो गया 21 - 20 विच इज इक्वल टू 1 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो 1 है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उनका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। और वो क्या होता है, आप यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज यूनिक एंड गिवन बाय, वो किससे मिलेगा, वो मिलेगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आप ए इनवर्स निकाल के बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी पूरे की। तो यहां इसमें पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए इनवर्स चाहिए होगा। तो हम ए इनवर्स निकालते हैं, उससे पहले हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। तो -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां बचेगा -3 5 1 - 2, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, इसको सॉल्व कीजिए 6 - 5 = 1। उसके बाद a12 यानी कि -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 5 1 - 2, -1 की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, यहां हो गया -4, यहां हो जाएगा -5, ये हो गया +9। देन उसके बाद a13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 - 3 1 1। अब जरा देखिए यहां -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, 2 - यहां हो गया -3, मतलब ये आएगा +5 आपका। अब जरा देखिए हम निकालते हैं a21 -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 - 4 1 - 2, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव रहेगा, इसको ओपन करेंगे तो -4 - -4, तो यहां ये हो जाएगा +4, यहां मिला -4 + 4, दिस इज 0, बाहर माइनस है। देन उसके बाद a22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 - 4, यहां पे आ जाएगा 1 - 2, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा आपका, और यहां पे आ गया आपका -6 माइनस
माइनस फोर, यह आ जाएगा माइनस सिक्स प्लस फोर विच इज इक्वल टू माइनस टू। यहां से आया माइनस सिक्स एंड यहां से माइनस ऑफ माइनस फोर दैट इज माइनस टू। उसके बाद ए टू थ्री, माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे थ्री टू वन वन, माइनस वन की पावर ऑड नंबर नेगेटिव रहेगा, यहां आ गया थ्री माइनस टू, यह आ गया माइनस वन। उसके बाद ए थ्री वन निकालते हैं, माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो टू माइनस फोर माइनस थ्री फाइव, माइनस वन की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, यहां पे आ गया टेन माइनस, ये हो जाएगा प्लस का ट्वेल्व, तो ये आ जाएगा माइनस टू। देन उसके बाद ए थ्री टू, माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो थ्री माइनस फोर टू फाइव, ऑड नंबर है तो नेगेटिव रहेगा, यहां आ गया फिफ्टीन और ये हो जाएगा प्लस का एट माइनस ट्वेंटी थ्री। ए थ्री थ्री, माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां बचेगा आपका थ्री टू टू माइनस थ्री, पॉजिटिव रहेगा, यहां आ गया माइनस नाइन और यहां पे आ गया आपका यहां पे आ गया थ्री माइनस नाइन एंड माइनस फोर, इस कॉलम को छोड़ा हमने थ्री टू माइनस फोर टू माइनस थ्री फाइव वन वन माइनस टू, तो थ्री थ्री के लिए हमने थ्री टू टू माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फोर दैट इज माइनस थर्टी। सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू मिल गई, अब कोफैक्टर्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे और निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो कोफैक्टर्स का ही ट्रांसपोज होता है। तो यहां पर है वन नाइन फाइव, यहां पर है जीरो माइनस टू माइनस वन, यहां पर है माइनस टू माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस थर्टीन, इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपका यहां पर वन, या यहीं पर आप लिख दें इसको वन नाइन फाइव, जीरो माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस थर्टीन। ए इनवर्स बराबर होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वन है आपका और यहां पर हमें एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। तो हमें वैल्यू कहां पुट करनी थी, इसके अंदर। सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स है वन अपॉन डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है वन जीरो माइनस टू, नाइन माइनस टू माइनस ट्वेंटी थ्री, फाइव माइनस वन माइनस थर्टीन। और यहां पर वैल्यू आई है आपके पास बी की, बी की वैल्यू है आपके पास माइनस फाइव इलेवन माइनस थ्री, माइनस फाइव इलेवन माइनस थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू माइनस फाइव इज माइनस फाइव, जीरो इंटू इलेवन इज जीरो और यहां पर है माइनस थ्री, माइनस टू इंटू माइनस थ्री इज प्लस का सिक्स। उसके बाद सेकेंड रो की नाइन इंटू माइनस फाइव इज माइनस फोर्टी फाइव, माइनस टू इंटू इलेवन इज माइनस ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री इंटू माइनस ट्वेंटी थ्री इंटू माइनस थ्री हो जाएगा प्लस का नाइन सिक्सटी नाइन, फाइव इंटू माइनस फाइव इज माइनस ट्वेंटी फाइव, माइनस वन इंटू इलेवन इज माइनस इलेवन एंड यहां पे आ जाएगा प्लस का थर्टी नाइन। एक्स की क्या वैल्यू है, वो है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सिक्स माइनस फाइव आ गया वन, ये बन जाएगा आपका 69 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 और 6 67, मतलब यहाँ आ जाएगा प्लस का 2, ये बन गया आपका 36 और 39 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, सो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू है आपके पास 1, y है 2 एंड z किसके बराबर है आपका, z बराबर है 3 के। तो यही क्या है आपकी इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए एक्स वाई और जेड की वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, वो नॉट इक्वल टू जीरो,
एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी सॉल्यूशन होता है, उसके लिए आपको ए इनवर्स बी निकाल लेना है, ए इनवर्स निकाल लेना है और फिर उसको यहां पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करते ही आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी किसी भी क्वेश्चन के लिए।